नमस्कार दोस्तों, मैं उजाला कटारिया, आपकी योगा टीचर। आपका स्वागत है योगा लाइफ में। आज हमारी सीरीज़ का लास्ट डे है, सेवेंथ डे। आई होप आपने अच्छे से सीरीज को फॉलो किया होगा, 6 के 6 दिन अच्छे से वीडियो को देख के उसकी प्रैक्टिस की होगी और आगे भी करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं क्या क्या करना है, क्या कुछ नया ऐड करेंगे, क्या कुछ नया सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप से। थोड़ा इस तरह से वार्म अप करेंगे आज हम, अपनी बाजू और अपनी टांगों को एक साथ हिलाते हुए, और पैरों में थोड़ा सा गैप रखिएगा अच्छे से, इस तरह से पूरा बाजुओं को झुलाते हुए, और गैप पैरों में, और गैप इस तरह वाइड, मुस्कुराते हुए बाजू पूरी पीछे आगे एकदम झुलानी है। पैरों को फिर पास ले आइए इस तरह से, और अब थोड़ा अपने पंजों पे ऐसे भागना शुरू करेंगे। अपने टोस पे रहना है, एड़ी को ज़मीन से नहीं लगने देंगे। अगर आपके नीज में बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए इस तरह से, अदरवाइज़ आप इसको थोड़ा थोड़ा तेज़ भी कर सकते हो इस तरह से। बाजुओं को पूरा ऐसे खोलिए, पूरा ऐसे फोल्ड करिए, जैसे किसी चीज़ को पकड़ के आप अपनी तरफ ला रहे हो अपने हाथों के साथ इस तरह से। कंटिन्यू, आपको अपने नाक के साथ ब्रीदिंग करनी है, मुंह बिल्कुल बंद रखना है। और फिर धीरे धीरे स्पीड कम करते हुए एंड रिलैक्स, लंबी गहरी सांस अंदर, लंबी गहरी सांस बाहर, वन मोर टाइम एंड एक्सहेल। चलिए अब क्या करेंगे, इस तरह से अपना दोनों हाथ अपनी कमर पे रखेंगे, उंगलियां पीछे की तरफ, अंगूठा आगे की तरफ। हम अपनी लेग के साथ आज बैक किक करेंगे, थोड़ा सा बटेक्स के लिए, लेग्स के लिए। बैक किक में आपको क्या करना है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जब पीछे की तरफ टांग उठाते हैं तो आगे की तरफ झुक जाते हैं, ऐसे नहीं झुकना है। एक चीज़ करनी है, जब हम अपनी टांग पीछे की तरफ उठाएंगे तो अपनी चेस्ट को हमें ओपन करना है, इस तरह से पूरा एक्सपेंड करना है। देखिए किस तरह पूरा लेग जब मैंने उठाया इस तरह से, फिर वापस 2, फिर वापस 3, फिर वापस, इस तरह आपकी लोअर बैक पे, आपके हिप मसल्स पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। और अपने नी को एकदम सीधा रखना है, 10 बारी इधर 10 बारी इधर। चलिए शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। इसको आप दीवार का सहारा लेकर भी कर सकते हो, एक हाथ से अपना वॉल का सपोर्ट लेते हुए उस तरह से भी कर सकते हो। चलिए अब दूसरी साइड से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स। अभी मैंने सिर्फ 10-10 बार करके बताया, आप इसकी प्रैक्टिस 15 से 20 बार, 25 बार, जैसे आपको आपकी टाइम के अकॉर्डिंग, आपके बॉडी की लिमिट्स के अकॉर्डिंग इसको प्लस माइनस कर सकते हो। इतना हो गया, चलिए आज फिर सूर्य नमस्कार का एक राउंड कर लेते हैं। जिसके पास ज़्यादा टाइम है वो ज़्यादा भी कर सकता है, अकॉर्डिंग अपने। चलिए स्टार्ट करिए, अपने मैट के एज पे आएंगे, पैरों को एक साथ रखना है, समस्थिति शुरू करें, दोनों हाथ ऊपर, फिर चेस्ट के आगे प्रणाम आसन, उसके बाद सांस भरते हुए हाथ ऊपर, पीछे की तरफ झुकेंगे जितना इजीली जाया जाए, और धीरे धीरे बॉडी को सीधा करते हुए पूरा आगे की तरफ, पहले सामने की तरफ रहिए और फिर पूरा आगे, पादहस्तासन इस तरह से, और अपना राइट लेग पीछे ले जाइए, लेग को पीछे रिलैक्स करिए, अश्व संचालन आसन, और धीरे से पर्वत आसन, दोनों पैर एक साथ इस पोजीशन में। अब धीरे से अष्टांग नमस्कार, धीरे से भुजंगासन,
फिर से पर्वतासन। हम अपना राइट लेग पीछे लेके गए थे तो राइट लेग आगे आएगा, यहाँ तक आ रहा है तो राइट हैंड से पकड़ के इसको आगे लेके आइए, पीछे वाला लेग जमीन पे। अश्व संचालन, फिर से पादहस्तासन, दोनों पैर एक साथ, सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, धीरे धीरे से ऊपर जाएंगे। हस्तोत्तान, इसके साथ ही फिर आगे पादहस्तासन। अब अपना लेफ्ट लेग के साथ करेंगे अब हम अश्व संचालन, लेफ्ट लेग बैक, स्टे हियर। नाउ पर्वतासन, धीरे से अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन, पादहस्तासन, धीरे से हाथ ऊपर, हस्तोत्तान, और फिर धीरे से प्रणाम। चलिए सूर्य नमस्कार हमने एक राउंड कर लिया, पहले हमने राइट लेग के साथ किया, फिर लेफ्ट लेग के साथ किया। अब हम करेंगे वीरभद्र आसन। वीरभद्र आसन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने लेग्स के बीच में 3 से 4 फीट का गैप लेके आएंगे अकॉर्डिंग टू योर हाइट। अपना कंफर्ट लेवल जरूर ध्यान में रखना है, डिसकंफर्ट होके योग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि योग में ये परिभाषा है स्थिरम सुखम आसनम, कि सुख में रहते हुए स्थिर रहते हुए आसन की प्रैक्टिस करना ही योग कहा जाता है। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, अभी अपना राइट साइड से पहले करेंगे राइट वाला पैर राइट वॉल की तरफ ऐसे घुमाएंगे, और अब चेक करेंगे जो आपकी दोनों एड़ियां हैं पैरों की और एक सीधी लाइन में रहनी चाहिए, ये हो गया। इस वाले पैर को भी 45 डिग्री थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, ज़्यादा नहीं। अब हम धीरे से अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल उठाएंगे और अपना राइट वाला नी इस तरह से बेंड करेंगे। आपको जो राइट वाला नी है आपके एंकल के ऊपर आ जाना चाहिए, अपना ये चेक करेंगे। दोनों हाथ यहाँ पे, अपर बॉडी अभी सामने की तरफ है, और अपने फेस को भी पूरा इस तरह से राइट साइड अपने हाथ को देखते हुए यहाँ पे हम रुकेंगे। पैरों की उंगलियों को में भी पूरा फैलाव होना चाहिए, इस तरह पूरा फैलाव उनमें होना चाहिए, एकदम खोल के उनको ज़मीन के ऊपर हम रखेंगे। कंटिन्यू स्टे हियर 10 to 20 seconds और 30 seconds, मुस्कुराते हुए। वीरभद्र आसन लेग्स के लिए बहुत अच्छा है, थाइस के लिए, हिप्स के लिए। अगर किसी के नी में पेन है वो थोड़ा अवॉइड करें अगर बहुत ज़्यादा पेन है तो। और फिर धीरे से क्या करेंगे, अपने नी को सीधा करेंगे, हाथ को नीचे लेके आएंगे, अभी ये वाला पैर सामने की तरफ और अपना लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट वॉल की तरफ, गैप उतना मेंटेन रखिएगा, ये वाला 45 डिग्री। धीरे से फिर दोनों हाथ साइड पे, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपनी नी को बेंड करें, चेक करें अपना पोस्चर इस तरह से, और फिर इधर की तरफ हाथों को शोल्डर लेवल पे ही रखेंगे। स्टे हियर, टेन टू ट्वेंटी सेकेंड्स, और फिर धीरे से नी सीधा, हाथ नीचे, पैरों को सीधा करिए और धीरे से इस तरह वापस आइए। तो ये था वीरभद्र आसन। थोड़ा सा रिलैक्स करें, लंबा गहरा सांस लें पूरा पेट तक, और धीरे से एक्सहेल। अब करेंगे हम उत्कट कोण आसन। उत्कट कोण आसन करने के लिए आपको क्या करना है, पैर में वही 2 से 3 फीट का गैप, दोनों पैरों की जो डायरेक्शन रहेगी वो 45 डिग्री ऐसे तिरछे रहेंगे, ना पूरा साइड पे करना है ना बिल्कुल सीधा रखना है। इस तरह करते हुए धीरे से अपने नीज को बेंड करेंगे, अपने हिप्स को पीछे की तरफ करते हुए बॉडी वेट पीछे की तरफ डालेंगे, आपके जो नीज़ हैं वो डायरेक्टली आपके एंकल्स के ऊपर आने चाहिए। इस तरह से चेक योर पोस्चर, नीज को यहाँ फिक्स कर दो, उसके बाद अपने हिप्स को आप जितना नीचे ले जा सकते हो नीचे की तरफ लेके जाइए, हाथ इस तरह से चेस्ट के आगे और कमर, बॉडी वेट पूरा पीछे। 10 से 20 सेकंड के लिए रुकेंगे यहाँ पे, आपकी लेग्स को स्ट्रेंथन करता है, नीज को स्ट्रेंथन करता है,
तरह से 10 से 20 सेकेंड, और फिर धीरे धीरे अपने आप को सीधा करते हुए वापस एंड रिलैक्स। फिर से लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। वन मोर टाइम एंड ब्रीथ आउट। खड़े होके हमारा लास्ट आसन है द गार्लैंड पोज, मलासन। मलासन करने के लिए आपको क्या करना है, अपने पैरों के बीच में शोल्डर विथ का गैप लाते हुए चेक करेंगे। धीरे से दोनों हाथ सामने की तरफ, हिप्स को पीछे की तरफ निकालते हुए पूरा इस तरह से अपने पैरों के ऊपर बैठेंगे। ये पोज यहाँ आने के बाद अपने पैरों को थोड़ा ज़्यादा थोड़ा और खोलना है या पास लाना है, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आगे की तरफ नहीं झुकना है, बॉडी वेट पीछे, दोनों हाथों को इस तरह लाते हुए अपनी कोहनियों के साथ अपने नीज को इस तरह से ओपन करेंगे, हाथ आपकी चेस्ट के आगे। 10 से 20 सेकंड के लिए यहाँ रुकेंगे। और फिर धीरे से वापस आते हुए आराम से बैठ जाइए। अब हम करेंगे बैठ के किए जाने वाले आसन। चलिए देखते हैं क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बटरफ्लाई पोज से, बद्धकोण आसन। दोनों पैरों को आपस में मिलाते हुए इस अच्छे से लॉक करते हुए कमर एकदम सीधी, गर्दन सीधी, सांस भरते हुए नीज को अप करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी पूरा नीचे करते हुए एक लंबा गहरा सांस लें, और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए अपनी लोअर बैक से आगे की तरफ झुकेंगे, कोहनियों को बाहर की तरफ निकालते हुए। जितना इजीली आपसे झुका जाए उतना झुकिए इस तरह से। और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए पहले गर्दन सीधी, कमर सीधी, और धीरे से वापस। चलिए आज हम प्रैक्टिस करेंगे बोट पोज की, बोट कैसे बनानी है, नौका आसन। देखिए कुछ लोग नौका आसन सीधा लेटने के बाद उसमें आते हैं, दोनों तरीके से हम कर सकते हैं। मैं आपको बैठ के कैसे करना है बोट पोज, कैसे उसके फाइनल पोज में जाना है वो बताऊंगी। इस तरह से आप अपनी लेग्स की इन्वर्टेड वी पोजिशन बनाएंगे इस तरह से चेक करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों के साथ, कुछ लोगों को ये थोड़ा मुश्किल लगता है, उनके लिए बताऊंगी कि वो कहाँ तक करें। अगर कोई बड़े आराम से कर सकता है तो फाइनल पोज में कैसे जाना है वो भी बताऊंगी। इस तरह अपने हाथों के साथ अपने थाइस को पकड़िए, ठीक है, अपने थाइस से पकड़ते हुए कमर सीधी। उसके बाद अपना बॉडी वेट थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे, अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। जब पीछे की तरफ जाना है तो ऐसे झुकना नहीं है, झुक के नहीं बैठेंगे, कमर सीधी, चेस्ट को आगे की तरफ पूरा ओपन करते हुए कमर सीधी। यहाँ से पकड़ लिया, अब धीरे से अपना सांस को भरते हुए अपने पैरों को ज़मीन से उठाएं और आपके पैर बिल्कुल आपके नी के सामने ले आएं। ऐसे नहीं करना, अभी इतना रखिए। अगर आपको मुश्किल लगता है तो थोड़े दिन आप इतनी ही प्रैक्टिस करिए, पकड़ के रखिए अपनी टांगों को, यहीं पे होल्ड करिए। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो अपने हाथों को ऐसे छोड़ भी सकते हैं, इतनी प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको ये भी कंफर्टेबल लगता है तो आप अपनी लेग्स को ऐसे सीधा करते हुए, एकदम सीधा करते हुए भी यहाँ पे होल्ड कर सकते। जितना आपको ईजी लगे आपको उतना ही करना है, ठीक है। अभी मैं 10 काउंट करूँगी, जिस पोजिशन में भी आपको करना है आप वैसे करिए। चलिए स्टार्ट अच्छे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस इस तरह से रिलैक्स। लंबा गहरा सांस लें और धीरे से जाने दें। अब करते हैं उपविष्ट कोण आसन, वाइड लेग फॉरवर्ड बेंड। वाइड लेग करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह से अपने पैरों के बीच में मैक्सिमम गैप लेके आएंगे, मैक्सिमम जितना आप ला सकते हैं। अच्छे से लेग्स के बीच में स्ट्रेच आना चाहिए, आपका टो एकदम सीधा, कमर एकदम सीधी। फॉरवर्ड बेंडिंग काफ़ी लोगों को मुश्किल लगती है, बट हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं विद द
प्रैक्टिस। स्टार्ट कैसे करना है, दोनों हाथ इस तरह सेंटर में रखिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों के साथ इस तरह से वॉक करना स्टार्ट करिए, झुकना नहीं है, कमर सीधी। वॉक करना धीरे धीरे स्टार्ट करें, आपसे जितना आगे आया जाए, अगर अभी इतना ही आया जाता है इतना आइए, यहीं पे होल्ड रखिए, फेस को अप रखेंगे सामने की तरफ। और धीरे धीरे अपनी कोहनियों को लगाने की कोशिश करें इस तरह से, इतना होता है इतना करो, थोड़ा एफर्ट्स लगाओ। और फिर धीरे धीरे हाथों को और आगे लेते रहिए, और आगे चिन लगा लो, नोज लगा लो, यहाँ पे 10 से 20 सेकेंड। और जब वापस आना है फेस को अप करिए, धीरे धीरे अपने हाथों के साथ ही वॉक करते हुए इस तरीके से वापस आइए। तो ये था उपविष्ट कोण आसन। अभी हमने फॉरवर्ड बेंड किया, नौका आसन भी किया, अब हम थोड़ा बैक बेंड भी कर लेते हैं ताकि हमारी जो बैक है वो थोड़ी रिलैक्स हो जाए। धीरे से अपने हाथों का सपोर्ट लेते हुए इस तरह से लेग्स को वापस लाएंगे। पिजन पोज, पूरा फाइनल पोजिशन नहीं बताऊँगी, ठीक है, फर्स्ट उसका स्टेप कैसे करना है, थोड़ा बैक को रिलैक्स कैसे करना है, अभी सिर्फ हम उतना ही करेंगे। पिजन पोज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरह से अपना लेफ्ट वाला लेग ऐसे मोड़ के रखिए, ये चीज़, या फिर इसको माउंटेन पोज से भी शुरू कर सकते हैं। चलिए वैसे बताती हूँ, पहले आप माउंटेन पोज में आ जाइए इस तरह से। उसके बाद अपना राइट वाले नी को अपने दोनों हाथों के बीच में रखिए इस तरह, और अपना राइट वाला लेग जो है, लेफ्ट लेग आगे है, राइट वाला लेग पूरा पीछे फ्लैट रखना है, टो भी पूरा फ्लैट होना चाहिए। अभी क्या है, मेरा वज़न जो है लेफ्ट साइड है, आपको पूरा वज़न ये इनर थाई ज़मीन पे लगाने की कोशिश करनी है, हो सकता है आपसे ऐसे हो, ठीक है, इस तरह हो, बट हमें कोशिश करना है थोड़ा अपना हाथों का सहारा लेते हुए कमर को थोड़ा सीधा करिए, सीधा करते हुए थोड़ा सा अपने आप को पीछे की तरफ झुकाने की कोशिश करिए इस तरह से, गर्दन पीछे, यहाँ पे रुकेंगे 10 से 20 सेकेंड। और फिर धीरे धीरे पहले गर्दन सीधी और सांस को छोड़ते हुए पूरा आगे की तरफ, चाहे तो हाथ हम यहाँ भी रख सकते हैं या फिर हाथ सामने भी रख सकते हैं इस तरह से। धीरे से सांस भरते हुए दोनों हाथों का सहारा लेना है, सीधे होना है, और फिर दोबारा से माउंटेन पोज में जाइए, लेग को पीछे ले जाइए। अब हम करेंगे अपना राइट लेग से अपनी राइट वाली नी को पूरा दोनों हाथों के बीच में ले आइए इस तरह से, लेफ्ट वाला पैर पूरा सीधा पीछे फ्लैट, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए पीछे की तरफ जाना शुरू करें, और पीछे जितना ईजीली जाया जाए आपसे इस तरह से। और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए और आगे पूरा आगे, हाथ यहाँ तो यहाँ रख लो या फिर सामने भी फैला के रख सकते हैं। दस से बीस सेकेंड यहाँ रुके, और फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए वापस, और धीरे से सुखासन में आ जाएं। तो बैठ के किए जाने वाले आसन में इतना ही, अब बढ़ते हैं सीधा लेट के किए जाने वाले आसन। सबसे पहले अपनी पीठ के बल सीधा लेट जाइए, रिलैक्स होकर बिल्कुल। कल हमने किया था सर्वांग आसन सीधा लेट के, आज हम सर्वांग आसन भी करेंगे, शोल्डर स्टैंड, और उसके साथ हल आसन की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। अगर किसी को सर्वाइकल का इशू है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो वो इसकी प्रैक्टिस ना करें, थोड़ा अवॉइड करें। सर्वांग आसन करने के लिए अपनी लेग्स को धीरे धीरे हम 90 डिग्री ऊपर उठाएंगे, और फिर दोनों हाथों का सहारा लेते हुए इस तरह से लेग्स मोड़ते हुए जितना हो सके कमर को सीधा करें, और उसके बाद धीरे धीरे लेग्स को 90 डिग्री स्ट्रेट करें। जितना सीधा हो सके, पॉसिबल हो उतना करिए। और धीरे से
हम हल आसन में जाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से अपने पैरों को अपने सिर की तरफ लाते हुए इस तरह। अगर आपसे पूरा नीचे नहीं जाया जाता, इतना ही हो रहा है, तो इतनी प्रैक्टिस करिए। अगर आप नीचे जा सकते हैं धीरे धीरे, तो पूरा ज़मीन पे, पैर के पंजे बाहर की तरफ, हाँ ज़मीन पे रखो या फिर यहाँ भी रख सकते हैं। और फिर धीरे से दोनों हाथों का सहारा लो, अपने नीज को इस तरह से मोड़ते हुए, इस तरह हाथों का सहारा लेते हुए अपने कमर को नीचे रखेंगे ज़मीन पे, और फिर रिलैक्स इन शवासन। लंबा गहरा सांस अंदर बाहर, सांस अंदर बाहर, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अब हम यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे थ्रेड द नीडल पोज। उसको किस तरह से करना है वो देखेंगे। दोनों लेग्स को इस तरह से मोड़िए, अपना लेफ्ट वाला पैर अपने राइट नी के आगे प्लेस करेंगे इस तरह से, अपना लेफ्ट वाला पैर। देखिए इस चीज़ में क्या ध्यान रखना है, जो ये नी है इसको भी हम पीछे की तरफ रखेंगे, यहाँ पे अपनी तरफ नहीं आने देंगे इसको। इस तरह से इसको पूरा पीछे की तरफ पुश कर दीजिए, इसी यहीं पे टिका के रखना है। अब जो वाला पैर आपका नीचे है, ये हमारी बन गई नीडल। अब इसमें हम डालेंगे थ्रेड। ये वाला पैर जो नीचे है, हाथों से इस वाली थाई को पकड़ते हुए इस तरह से एक लंबा गहरा सांस लें, और सांस को छोड़ते हुए इसे पूरा अपनी तरफ पुल करें, अपनी तरफ खींचें। और जो लेफ्ट वाला नी था उसको पीछे की पीछे ही रखना है, उसको अपने साथ टच नहीं होने देंगे इस तरह से। इस तरह हमने नीडल के अंदर थ्रेड को डाल दिया, पूरा स्ट्रेच करके रखिए। इससे बैक भी रिलैक्स होगी आपकी, आपके थाई मसल्स, हिप मसल्स सारे रिलैक्स होंगे। और फिर धीरे से वापस इस पैर को नीचे रखें। अभी अपना राइट वाला पैर लेफ्ट नी के आगे रखेंगे, इस नी को पूरा पीछे की तरफ पूरा धक्का दीजिए, पूरा पुश करिए। अब जो पैर नीचे है, हाथों से थाई को पकड़ते हुए सांस लेना है, और फिर सांस को छोड़ते हुए अपनी तरफ। ये वाला नी देखिए पूरा पीछे रखना है, इसको टच नहीं होने देना है। स्टे हियर। दस से बीस सेकेंड, तीस सेकेंड, उसके बाद धीरे से वापस इस स्टेप को सीधा करें और रिलैक्स करें। चलिए अब बढ़ते हैं उल्टा लेट के करने वाले आसन। उल्टा लेट के हम करेंगे विपरीत नौका आसन। बैठ के हमने बोट बनाई थी, अब उसका विपरीत नौका आसन। ठीक है, कैसे करना है उसको? इस तरह से अपना दोनों हाथ सामने की तरफ फैलाते हुए, इस तरह से दोनों पैर एक साथ, सांस को भरते हुए हम अपना ओवरऑल बॉडी उठाएंगे, पूरा वजन पेट के ऊपर आएगा। चलिए स्टार्ट करें, ब्रीद इन, सांस लें, इस तरह से होल्ड रखें, बाजू एकदम सीधी, लेग्स एकदम सीधी। यहाँ पे सांस को रोकने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल ब्रीदिंग आप रख सकते हैं। जितना आपसे रुका जाए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स, उतना रुकिए। और सांस को धीरे धीरे छोड़ते छोड़ते वापस। देखिए एकदम से अपनी बॉडी को नीचे नहीं गिराना है, बड़े आराम से हम ऊपर उठे थे, बड़े आराम से ही नीचे आना है। उसके बाद इस तरह दोनों पैरों की डायरेक्शन राइट साइड, लेफ्ट वाले की लेफ्ट साइड, दोनों हाथ ऐसे नीचे, थोड़ा सा रिलैक्स करें। चलिए आज हम थोड़ा सा भुजंगासन के साथ शीशांकासन को थोड़ा ऐड करते हैं। दोनों को इकट्ठा करके देखते हैं किस तरह से करेंगे। इस तरह अपनी लेग्स को एक साथ जोड़िए, टोज को एक साथ रखिए, दोनों हाथ शोल्डर के नीचे, चेस्ट के पास, एल्बो आपकी जो कोहनियाँ हैं बॉडी के साथ, उंगलियों को फैला के रखेंगे, हाथों की उंगलियों को, सांस भरते हुए पहले भुजंगासन में जाइए। ठीक है, उसके बाद हाथ वहीं रहेंगे, हाथों को नहीं उठाना है, सांस को छोड़ते हुए इस तरह से जितना पीछे जाया जाए उतना ही जाइए। हाथ और पैर एक जगह फिक्स कर दिए, ये सांस छोड़ा,
फिर सांस भरते हुए इस तरह अपनी नाभि तक का हिस्सा नीचे लगाएंगे, भुजंगासन, और फिर सांस छोड़ते हुए पीछे इस तरह से थ्री, सांस भरते हुए भुजंगासन, बड़े आराम से, झटका नहीं देना है, और सांस छोड़ते हुए पीछे पांच बार करेंगे हम इस तरह। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए इस तरह से भुजंगासन और सांस छोड़ते हुए पीछे, लास्ट टाइम सांस भरते हुए भुजंगासन, कंधों को ऐसे उठाना नहीं है, कंधे नीचे रहेंगे, और धीरे से सांस छोड़ते हुए अब हम पूरा शशांक आसन में जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर रुकेंगे थोड़ा देर, लंबी गहरी सांस के साथ, और फिर धीरे धीरे पहले फेस को उठाएं, कंधे उठाएं और सीधे हो जाएं। तो इस तरह हमने प्रैक्टिस करी, खड़े होके, बैठ के, सीधा लेट के, फिर उल्टा लेट के। चलिए अब बारी है प्राणायाम की। अनुलोम विलोम के बारे में मैंने आपको बताया, भ्रामरी बताया, भस्त्रिका प्राणायाम बताया, कपालभाति प्राणायाम बताया, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज हम बात करेंगे शीतकारी प्राणायाम की। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनके लिए तो ये वरदान है, ब्लड प्रेशर हाई वालों को शीतकारी प्राणायाम ज़रूर करना चाहिए, और जिनका लो रहता है उन्हें थोड़ा कम करना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे वो देखेंगे। कमर गर्दन एकदम सीधी, इस तरह से अपने हाथों को आसमान की ओर खोलते हुए इस तरह अपने नीज पे प्लेस कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद क्या करना है, शीतकारी प्राणायाम में हमें अपने मुंह से सांस लेना होता है, मुंह से सांस लेना है, छोड़ना दोनों नोस्ट्रल से है। मुंह से कैसे सांस लेना है, बड़ा वाला स्माइल करना है, अपने दांत दिखाते हुए, दांत दिखाते हुए मुंह से सांस को अंदर लेना है, खींचना नहीं है, ऐसे नहीं करेंगे, बड़े आराम से देखिए इस तरह। सांस लिया, अब मुंह को बंद करके उसको अंदर रोकें, और फिर दोनों नाक से धीरे धीरे एक्सहेल करते हुए पेट को खाली करें। हर एक्सहेल के साथ पेट अंदर की तरफ जाना ही चाहिए, चाहे वो नॉर्मल ब्रीदिंग है या फिर आपकी योगिक ब्रीदिंग है, हर एक्सहेल के साथ पेट अंदर की तरफ ही जाना चाहिए। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते हैं लगातार, आंखें बंद कर लें, अच्छे से मुंह से सांस लेना है, नाक से एक्सहेल, फिर से मुंह से सांस अंदर, मुंह बंद करते हुए नाक से धीरे धीरे एक्सहेल, एकदम से नहीं फेंकेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरह भी हमने सिर्फ पांच बार किया, आप इसको 10 से 20 बार बड़े आराम से कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में एक ठंडक आएगी, गर्मी के मौसम में इसको करने से बहुत फ़ायदा मिलता है, सर्दियों में, विंटर सीजन में थोड़ी प्रैक्टिस कम करिएगा। तो ये हमारा आज 7th डे, लास्ट डे था हमारी एक वीक की सीरीज़ का। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हर दिन की योगा सीरीज़ अच्छी लगी हो, तो वीडियोस को फॉलो ज़रूर करें, आगे भी शेयर करें, और अपने आप को स्वस्थ रखने की पूरी कोशिश करें। योगा लाइफ के साथ आप जुड़े रह सकते हैं फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, और यूट्यूब पर भी। आज 7 डेज़ की सीरीज़ के बाद कल आपके लिए वीडियो अपलोड होगा योग निद्रा के ऊपर। 7 दिन अच्छे से वर्कआउट किया है, तो एक दिन हम योग निद्रा करके अपने शरीर को पूरा रिलैक्स करेंगे, माइंड को भी रिलैक्स करेंगे।
तो कल के वीडियो में योग निद्रा शवासन की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और अपने आप को रिलैक्स स्टेबल करने की पूरी कोशिश करिएगा। मेरे साथ जुड़े रहिएगा, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।